वाराणसी के ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने की हालत जर्जर है और तहखाने में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर विश्वनाथ मंदिर न्यास और मंदिर प्रशासन चिंतित है, क्योंकि 15 फरवरी को व्यास जी के तहखाने में जो ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी छोर की छत के नीचे एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, वो व्यास जी के तहखाने में पुजारी के पास गिर गया था, जिससे पुजारी की जान जाते जाते बची थी। पुजारियों के आक्रोश और डर को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने ज्ञानवापी के दक्षिणी छोर के रिसीवर जिलाधिकारी से भी तहखाने की मरम्मत और जर्जर तहखाने की छत पर आवाजाही को नियंत्रित करने की मांग की थी। लेकिन जब कोई बात नहीं बनी तो अब मंदिर प्रशासन ने जिला जज की अदालत में एक प्रार्थना पत्र देकर ये मांग की है, लेकिन सुनवाई की अगली तारीख 19 मार्च लग गई है। लगभग एक महीने का वक्त बीत चुका है जब वाराणसी के ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने को लेकर कोर्ट के आदेश के बाद आम लोगों के द्वारा दर्शन पूजन शुरू हो गया है, लेकिन बीते 15 फरवरी से काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से कोर्ट में एक याचिका दायर करके यह मांग की गई है कि व्यास जी के तहखाने में कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है और जो विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं वो चोटिल हो सकते हैं, वो घायल हो सकते हैं। इसको लेकर कोर्ट में यह अर्जी लगाई गई कि जो पुजारी हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पे मरम्मत कार होने दिया जाए, साथ ही साथ जो दक्षिणी छोर है यानी व्यास जी के तहखाने के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर भीड़ को कंट्रोल किया जाए। लेकिन दो बार से पड़ रहे शुक्रवार को हो रही अत्यधिक भीड़ के बावजूद इस पर अभी कोई आदेश नहीं आया है, न ही मरम्मत का आदेश आया है, न ही भीड़ को कंट्रोल करने को लेकर आदेश आया है। लिहाजा अब ये कहा जा सकता है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं उनकी जान सांसत में है और कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि इस बारे में खुद मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने भी बातचीत के दौरान बताया है और ये कहा है कि पुजारियों का जो जान है वो संकट में आ सकता है। तो लिहाजा ये आगे शिवरात्रि के दिन भी शुक्रवार पड़ने के चलते न केवल श्रद्धालुओं की सनातनियों की भीड़ होगी बल्कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी जुमे की नमाज के दिन काफ़ी भीड़ होगी। इसको लेकर भी जो मंदिर प्रशासन है बहुत ज़्यादा अलर्ट है, एहतियात बरत रहा है और लगातार वो न केवल स्थानीय अधिकारियों से गुहार लगा रहा है बल्कि कोर्ट के भी शरण में गया है कि इसको लेकर कोई पहल की जाए, मरम्मत तो हो ही हो, साथ ही साथ दक्षिणी छोर के ऊपर भीड़ को भी कंट्रोल किया जाए। लेकिन अभी इस अर्जी के बाद 19 तारीख की अगली तारीख पड़ी है, लेकिन अब सवाल यह है कि आगामी 8 मार्च को क्या होगा जब भीड़ बहुत ज़्यादा तादाद में न केवल श्रद्धालुओं की होगी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए बल्कि जो नमाजी हैं वे भी भारी तादाद में हजारों की संख्या में नमाज अदा करने आएंगे। अब चिंता इस बात की है कि आगामी महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को जुम्मे के दिन है, जिस दिन जुम्मे की नमाज के लिए हजारों की तादाद में नमाजी ज्ञानवापी मस्जिद में जुटेंगे और उस दक्षिणी हिस्से यानी उस छत पर भी जाएंगे जिसके नीचे व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी। उस महाशिवरात्रि के दिन विश्वनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु भी जुटेंगे जो व्यास जी के तहखाने की तरफ दर्शन के लिए भी जाएंगे। बीते 31 जनवरी को जिला जज के आदेश के बाद कुछ ही घंटों में वाराणसी के ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू करा दी गई और पूजा पाठ कराने की जिम्मेदारी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को सौंपी गई। बीते दिनों जिला जज की अदालत में याचिका देकर हिंदू पक्ष ने जर्जर व्यास जी के तहखाने की मरम्मत की मांग की थी और जर्जर तहखाने के ऊपर छत पर नमाजियों के जाने पर रोक की भी मांग की थी। तो विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने भी बकायदे प्रार्थना पत्र लिखकर 15 फरवरी को व्यास जी के तहखाने में पत्थर गिरने की घटना का जिक्र करते हुए ये मांग की है कि तहखाने की मरम्मत की जाए और छत पर होने वाली नमाज को रोका जाए। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 मार्च तय कर दी है, लेकिन उससे पहले शिवरात्रि और जुम्मा एक ही दिन पड़ने से मंदिर प्रशासन चिंता में पड़ गया है और बड़े हादसे की ओर इशारा कर रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण शर्मा ने इस मामले में क्या कहा, सुनिए। ये 15 फरवरी को हमारे जो पुजारी वहाँ पर नियुक्त हैं, दरअसल जैसा आप जानते हैं कि जिला जज महोदय के आदेश के क्रम में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर बनाया गया है
और जिलाधिकारी ने एक हमको डायरेक्शन दिया था, उसमें जिला जज के आदेश में कहा गया था कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की सहायता से वहाँ पूजन अर्चन प्रारंभ कराया जाए। तो वहाँ पर पूजन अर्चन के लिए हमारे जो अर्चक हैं, पुजारी हैं, जो हमारे कर्मचारी होते हैं, हमारे कार्मिक होते हैं, उनकी नियुक्ति वहाँ की गई है। तो पुजारी लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया था कि उस समय जब 15 को दोपहर की नमाज हुई, उस समय वहाँ भीड़ छत पर बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी हलचल से जो कि वह तहखाना जर्जर स्थिति में है, तो वहाँ एक पत्थर जो है वो गिरा नीचे, तो उससे उन्होंने अपने प्राणों को संकट बताया, उसका फोटो भी खींचकर उपलब्ध कराया था। तो हमने उस संबंध में जो भी लीगल ओपिनियन हो सकती थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से करस्पॉन्डेंस करना, उनको पत्राचार करना, ये सब चीज़ें प्रारंभ की थी। उसके बाद लगातार हर हफ्ते उसकी ग्रेविटी जो है वो बढ़ती जा रही थी, अर्चक लोग भी आक्रोशित थे, उन्हें भी अपने प्राणों का संकट लग रहा था, और हर फ्राइडे को यहाँ पर चूँकि ठीक ठाक भीड़ हो रही थी। तो अभी एक हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाया है, एक उसके पीछे एक एप्रिहेंशन ये भी है कि 8 मार्च को हमारी महाशिवरात्रि पड़ रही है और संयोग से उस दिन भी शुक्रवार है, तो उससे पहले हम लोग न्यायालय से हमने एक अर्जेंसी का एप्लीकेशन लगाया था कि अगर एक डायरेक्शन ऐसा मिल जाता कि उसकी उस मरम्मत हो जाए या वहाँ सुरक्षा व्यवस्था ठीक कर ली जाए, क्योंकि शिवरात्रि की भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि उस समय कोई भी जो इमरजेंसी मेजर्स होंगे या कोई हेल्प के मेजर्स हैं उसमें भी बाधा की संभावना या बाधा की स्थिति हो रहेगी। तो एक हम लोगों को एक रीजनेबल एप्रिहेंशन जो पुजारी का एप्लीकेशन था उसके आधार पर था, तो उसमें मानव हानि कोई ना हो, किसी व्यक्ति को कोई चोट लगने का खतरा ना उत्पन्न हो, इसलिए दोनों ही पक्षों के या सभी लोगों के, सभी आम जन के जो श्रद्धालु आते हैं किसी मत को मानने वाले हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमने यह एप्लीकेशन लगाया है। यह मांग की गई है कि या तो उसकी मरम्मत कर दी जाए और उसके ऊपर आने वाले लोगों की संख्या जब तक मरम्मत नहीं होती तब तक के लिए सीमित कर दी जाए। तो हमने उस बात को डेटो किया है कि हाँ, हम उसकी बात से सहमत हैं और यह रेमेडी दिया जाना आवश्यक है, अतः इस संबंध में निर्देश जारी किए जाए।